वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में भारत का बोलबाला काफी तेजी से बढ़ रहा है। पेमेंट के मामले में भारत में जब से भीम यूपीआई और रुपए का चलन बढ़ा है, तब से अमेरिकी कार्ड, मास्टर कार्ड और वीजा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। रुपए को भारत में विकसित किया गया है और दुनिया के अधिकांश बैंकों द्वारा इस पेमेंट सिस्टम को अपनाया गया है। ऐसे में कभी भारत समेत पूरी दुनिया में अपनी पकड़ रखने वाला मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब पासा पलट चुका है, भारत का रुपए कार्ड शिखर पर पहुंच चुका है, अपनी वैश्विक पहचान बना चुका है और इसके उद्गम के पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अपनी इस दीवारी आपको बताऊंगा कि कैसे कभी रुपए कार्ड की हालत पतली थी जबकि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की दिवाली थी, लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही इस स्वदेशी कार्ड का उद्गम सुनिश्चित कर दिया। रुपए एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है, जिसे 26 मार्च 2012 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान की घरेलू खुली और बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका उपयोग न के बराबर ही हो रहा था। तब वीजा और मास्टर कार्ड का वर्चस्व इतना था कि रुपए को वर्ष 2014 से पूर्व न के बराबर स्वीकृति मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद रुपए की विजय गाथा लिखी जानी प्रारंभ हुई। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना के बाद रुपए डेबिट कार्ड चर्चा का विषय बना, क्योंकि जनधन योजना के तहत दिए गए सभी डेबिट कार्ड रुपए कार्ड ही थे। जनधन योजना के आने के बाद रुपए का स्वरूप कीर्तिमान स्थापित करने लगा। वर्ष 2018 में एक भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, हर कोई देश की रक्षा के लिए सीमा पर नहीं जा सकता, लेकिन हम राष्ट्र की सेवा के लिए रुपए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। हर कोई सीमा पे जाके देश की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन रुपए कार्ड से भी हम देश सेवा कर सकते हैं। अगर हम रुपए कार्ड का उपयोग करने की आदत डालें, आप देखिए, वो भी देश सेवा का एक माध्यम बन जाएगा। पीएम मोदी के आह्वान का ऐसा असर हुआ कि पहले से इस क्षेत्र में काम कर रही मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनियां आज रो रही हैं और अमेरिकी सरकार से शिकायत कर रही हैं। कुछ वर्ष पहले मास्टर कार्ड द्वारा अमेरिकी सरकार से शिकायत के बाद अब वीजा कार्ड ने भी अमेरिकी सरकार से गुहार लगाई है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार वीजा इंक ने यूएस सरकार से शिकायत की है कि भारत रुपए का अनौपचारिक प्रचार कर रहा है, जिससे उसके व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। देखा जाए तो सार्वजनिक रूप से वीजा ने रुपए के उदय के बारे में चिंताओं को जानबूझकर ऐसे दिखाया है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन असल बात तो यह है कि स्वदेशी रुपए से वीजा और मास्टर कार्ड की हालत खस्ता हो गई है। ध्यान देने वाली बात है कि अब IPL जैसे विश्वविख्यात क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल यानी कि IPLGC ने टाटा IPL के आधिकारिक भागीदार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रमुख उत्पाद रुपए की घोषणा की है, जो 26 मार्च 2022 से शुरू होगा। यह एक बहुवर्षीय साझेदारी होगी। ऐसे में रुपए की बढ़ती स्वीकार्यता इस बात की पुष्टि करती है कि अब वो वैश्विक मार्केट में बहुत बड़े गेम चेंजर के तौर पर उभरा है। IPL के चेयरमैन बृजेश पटेल ने कहा, IPL और रुपए का यह जुड़ाव NPCI का प्रमुख उत्पाद भारत के दो सबसे अच्छे घरेलू ब्रांडों को एक साथ लाता है और दुनिया भर में लाखों भारतीयों पर एक बड़ा प्रभाव पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे डिजिटल भुगतानों को तेजी से और सहज तरीके से अपनाया जा सके। किसी भी देश के लिए गर्व की बात तब होती है जब उसकी अपनी स्वदेशी निर्मित किसी भी प्रकार की वस्तु को वैश्विक रूप से ख्याति और पुष्टि मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से भलीभांति परिचित थे। यही कारण है जो रुपए को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2018 में सिंगापुर के अपने दौरे पर पीएम मोदी ने इंडियन हेरिटेज सेंटर का दौरा करने के दौरान एक मधुबनी पेंटिंग खरीदी। जब भुगतान करने का समय आया तो उन्होंने भुगतान के लिए SBI रुपए कार्ड को चुना। बस फिर क्या था, रुपए को इतनी ही पहचान की आवश्यकता थी। शेष बचा काम तो बाजार ने कर दिया। यह गर्व करने वाली बात है, जो रुपए कार्ड आज के समय में 200 देशों में स्वीकार किया जाता है। यह इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि बाजार में बढ़ते प्रभाव के साथ ही रुपए वीजा और मास्टर कार्ड को खत्म करने का पुख्ता इंतजाम कर चुका है। 100 बात की एक बात यह है कि रुपए कार्ड आत्मनिर्भर भारत का एक सफल प्रयोग सिद्ध हो चुका है और जिसके लिए भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जानी चाहिए।